हेलो गाइज, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी गाइज। आप लोगों को सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा, जो मैंने दुबई पे वीडियो बनाई थी वेटर वाली, उस वीडियो पे इतना सारा प्यार मिला आप लोगों का। सारी ही वीडियो को मिला के लगभग 1 लाख से भी अधिक लोगों ने वीडियो को देखा, और कई सारे लोगों ने कमेंट किया उस वीडियो पे कि भाई आपने उन वीडियो में जो भी चीज़ें बताई वेटर से रिलेटेड, सारी चीज़ें ठीक है, सैलरी कितनी मिलती है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं जॉब करने के लिए, वो सब तो ठीक है, बट आप ये बताओ कि जो वेटर के इंटरव्यू होती है दुबई में, वो कैसी होती है, कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन क्वेश्चन को याद कर लेते हो तो आप आराम से वेटर का इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। तो फटाफट मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर देता हूं, अगर आपको इसकी थोड़ी भी अगर आपको करने की वो है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जाती हैं आपसे और आपको ये चीजें होनी भी चाहिए, ठीक है। नंबर वन बेसिकली आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाती है, कि आपका बात करने का तरीका कैसा है, एक्सेंट कैसा है। कई लोग क्या होता है देसी स्टाइल में बात करते हैं, कई लोग क्या होता है अच्छे तरीके से हिंदी में बात करते हैं, तो अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करो, ठीक है। जो मैंने वेटर वाली वीडियो बनाई है सैलरी रिक्वायरमेंट सारी ये जानने के लिए दुबई में, आप वो वीडियो जाकर देखना, उसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सेकंड जो होता है वो इंग्लिश रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आपको जैसे बेसिकली जो दुबई में जो भी फॉरेनर्स होते हैं वो मैक्सिमम वही आते हैं एज अ टूरिस्ट के तौर पे, तो क्या होता है उसमें, तो उसमें क्या होता है बेसिकली उनको इंग्लिश एज अ सिखाना पड़ता है, इंग्लिश में वो बोलते हैं, इंग्लिश में ऑर्डर लेते हैं, तो आपको समझने भी आना चाहिए थोड़ा बहुत इंग्लिश, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। थर्ड बेसिकली होता है देखो, तो क्वालिफिकेशन तो मैंने बताई हुई है क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, वो आप उस वीडियो में जाके देख लेना, बट एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है बेसिकली आप लोग का एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट देखी जाती है कम से कम 18 से अब लीगली है जो आप लोग का, और मैं आपको बताऊँ एक और चीज़ होता है काफ़ी, कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी उसमें लगती है, ठीक है। बाकी मोर डिटेल के लिए आप वेटर वाली वीडियो जाके देखो, उसमें सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। तो ये कुछ क्वेश्चन है, अपने एक्सेंट पे ध्यान देना, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना, और थोड़ा बहुत इंग्लिश पे ध्यान देना, तो ये चीज़ें होती हैं, और बात करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो बस यही सारे क्वेश्चन होते हैं, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।